हल्को अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सिंगाए, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि ये व्लॉग इंग्लिश में क्यों नहीं है, पर आई एम वेरी 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 सॉरी। इंशाल्लाह इन इंग्लिश आई विल रिपीट दिस व्लॉग अगेन जस्ट फॉर माय इंग्लिश फॉलोअर्स, आई मीन इंग्लिश स्पीकिंग फॉलोअर्स। मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो पश्तो है, उर्दू भी अच्छी है और इंग्लिश इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो कम्फर्टेबल इन पश्तो एंड उर्दू। टुडे आई एम गोना रिकॉर्ड दिस व्लॉग एंड इंशाल्लाह टुडे आई एम गोना पोस्ट दिस व्लॉग। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी के आई वॉज वेरी वेरी बिजी विद सुमैया एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट पोस्ट एनी व्लॉग पार्ट ऑफ दिस वन व्लॉग विच आई स्पेंड सम टाइम विद सुमैया। तो अभी व्लॉग पार्ट फाइव शुरू हो रहा है। अल्लाह के हुक्म से जुमे का दिन है और शायद आज ही मैं ये पोस्ट कर दूँ, अगर हम गाँव गए तो शायद कल पोस्ट कर दूँ सैटरडे के दिन, पर मेरी कोशिश होगी कि आज ही मैं ये ब्लॉग पोस्ट कर दूँ। सो जुमे का दिन है, पापा खान चले गए हैं नमाज के लिए, अगेन आई एम ऑन माई वे टू कले, गाँव जा रहे हैं, गाँव में फिर मसला है, फिर वो एक फ़नी सा व्लॉग है जायदाद के बारे में, वो मैं बाद में इस व्लॉग के बाद में पोस्ट करूँगी। आज ये पार्ट फाइव ख़त्म ही कर दो, पार्ट फाइव के बाद पार्ट सिक्स, पार्ट सेवन, पार्ट एट, पता नहीं कितने पार्ट हैं, ज़िंदगी के किस्से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि जल्दी सी समेट लूँ ये स्टोरी और आप लोगों को बता दूँ। सो आज जो पार्ट फाइव शुरू हो रहा है, तब से कि मेरा वीज़ा आ गया और मैंने पेपर फाड़ दिए और उन्होंने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए कि तुम आ जाओ हम तुम्हें वीज़ा दे दें, और मैंने पेपर बांट दिए। एनीवे खान को पता चला, खान बहुत गु़स्से में हुआ कि ये तुमने क्या किया, मैं प्रेग्नेंट भी थी और सुमैया भी होने वाली थी, और ऐसे मैं खान वहाँ काम भी कर रहा था, मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी थी, लेकिन खान मेरे पीछे आ गया, बस सुमैया होने वाली थी और खान पीछे आ गया और मुझे उसने राज़ी कर दिया कि नहीं ऐसे मत करो, ये ना करो, और मैं बच्चों को भी मिस कर रहा हूँ, अब तो दो बच्चे होने वाले हैं तो तुम आ जाओ। मैं बहुत उसने मेरी मिन्नतें की, बहुत मिन्नतें की कि हम तुम वापस जाओ, इस दफ़ा मैं तुम्हारी लुक आफ्टर करूँगा, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। मेरे अब्बू को प्रॉमिस दिया कि मैं इसको अब इसके लिए खड़ा होऊंगा, इसके लिए लुक आफ्टर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब मेरी जॉब भी है मैंने, और ख़ान ने स्टडी भी छोड़ दी थी बेचारे ने, और इसने कहा कि अब ना अब हालात डिफरेंट होंगे और मैं इसको लेके जाता हूँ। एनीवे मैं चली गई इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू कोई 5 मिनट का इंटरव्यू था, कुछ ज़्यादा था नहीं, और बस उन्होंने मुझे ठा 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 करके वीज़ा दे दिया। तब चीज़ें बड़ी इजी थी, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना और ये तब बहुत आसान था, ना कोई ये टेस्ट था या ना कुछ था, आसानी से मिल जाता। इतने में ये सारा प्रोसीजर करते करते सुमैया वहाँ पैदा होगी, लेकिन इस दौरान एक बात हुई, जब सुमैया पैदा हुई तो सुमैया बहुत प्यारी थी, सुमैया बहुत नाजुक सी, पतली सी, छोटी सी, और बस ऐसी छोटी सी डॉल सी थी। खान ने जब देखा उसको वो बहुत खुश हुआ और उसने उसी वक्त अपनी अम्मी को फ़ोन मिलाया और कहा हमारी बेटी पैदा हुई है। तो वो अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं, कहती है ओ नौवीं आ गई, नाइन्थ लड़की आ गई, यानी उसने अपनी 7 बेटियां भी मेरे पीछे लगा दी, कहती है नौवीं पैदा हो गई, इसका गला दबा दो। जब मैंने ये अल्फाज सुने मैं उसी वक्त रोने लग गई, मैं इतनी रोई, मेरी अम्मी भी इतनी रोई, कहती अपनी 7 बेटियां भी मेरी बेटी के पीछे भी लगा दी, यानी कि इसकी तो दूसरी बेटी है ना, मासूम बच्ची है, तो अपनी 7 बेटियां भी मेरी बेटी के पीछे लगा दी। तो मैं भी रो रही थी, मेरी अम्मी भी रो रही थी, और वो
फ़ोन से आवाज़ बाहर आ जाती है। हम सब इकट्ठे बैठे थे, खान ने बड़ी खुशी से और बड़ी उससे अपनी माँ को फ़ोन किया कि मेरी घर बेटी पैदा हुई है, और उसकी माँ ने आगे से ये जवाब दे दिया, हाँ नौवीं पैदा हो गई, इसका गला दबा दो। इस बात पे मैं इतनी परेशान थी क्योंकि बच्ची सी थी मैं, मैंने कहा ये क्या है, मेरी तो नौवीं बेटी नहीं है, ये तो मेरी दूसरी बेटी है, और गला दबा दो, यानी गला दबा दो, चाहे उसने बेशक मजाक में कहा हो, चाहे उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा हो, लेकिन एक माँ को जिसका अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसको तुम कह दो कि तुम्हारी औलाद का गला दबा दो। पता नहीं उसने उस वक्त ये बात मेरी सास ने किस चीज़ को नज़रअंदाज करके कही होगी, मुझे नहीं पता कि क्यों उसने ये बात की, लेकिन उसने ये बात की। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात उसने उस वक्त की कि नौवीं आ गई है, नौवीं लड़की आ गई है और इसका गला दबा दो। और तब मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी यूके, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा ये ऐसे कह रही है कि इसका गला दबा दो, मेरी इतनी प्यारी बेटी। और सुमैया पता नहीं उसको नज़र लग गई, क्या हो गया सुमैया के, बस हर वक्त चीखे चीखे होती थी, एक मैं परेशान, एक मेरी अम्मी भी परेशान हो गई कि अच्छा मैंने जो सोच समझ के एक फ़ैसला किया था, अब मेरी बेटी ऐसी रुलेगी। तब मेरी अम्मी को अक्ल आई, तो मेरी अम्मी को भी बस एक दचका सा लगा। इस फ़ोन के बाद मेरी अम्मी ने भी मुझे कहा कि बस तेरी मर्ज़ी है, तूने नहीं जाना तो मत जाओ। मैंने कहा ये है, ये मेरे साथ होता है। मैंने कहा देख लो अपनी कानों से तुमने सुन लिया कि मेरी सास के क्या कह रही है कि उसका गला दबा दो। तो इसी कश्मकश में 3 महीने गुजर गए, मैं सुमैया 3 महीने की हो गई, कभी उसको डायरिया हो जाता था, बहुत ज़्यादा सुमैया बीमार होने लगी, बहुत ही ज़्यादा कभी बुखार हो जाता था, लेकिन 3 महीने खान मेरे साथ ही रहा। खान ने कहा कि मैं रहूँगा, फिर वही बात कि उसकी जॉब थी, उसका सारा कुछ था, वो 2 बच्चों का बाप था, तो वो हमें छोड़ के चला गया। और उसने मेरी अम्मी को कहा कि इसको समझा बुझा के सारा कुछ करके तो इसको ज़रूर भेज देना। इतने में मेरी सास वापस आ गई, हमें पता चल गया कि वो वापस आ गई है, तो वो आ गई थी पाकिस्तान। तब मुझे थोड़ा सा हो गया कि अब अगर मैं जाऊं तो बाबा तो मुझसे प्यार करता है, तो मैं बाबा के पास अब चली जाऊंगी। फिर खान को भी मैं मिस करने लगी, फिर बच्चे भी 2 बच्चे भी थे, फिर सब कहते थे कि इनके इनको बाप भी ज़रूरी है, कि बाप भी इनके पास हो। और वही बात कि शादीशुदा लड़की का अपने घर में होना फिर ज़रूरी होता है। तो पहुँच गई मैं यूके आ गई फिर 2 बच्चों के साथ। अब बाबा अकेला हुआ करता था, पर अब बाबा वो पहले वाला बाबा नहीं था। अब बाबा के दिमाग में इतनी वो तेजाबियत जमा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं आई, बाबा बड़ा खुश था, मुझे बड़ी खुशी से मिला, तब हम इकट्ठे रहने लगे। नाफिया, बाबा को नाफिया बहुत पसंद होती थी क्योंकि नाफिया माशाल्लाह 1 साल की थी, सुमैया 3 महीने की थी। नाफिया और सुमैया की सेम बर्थडे थी, यानी एग्जैक्टली 1 ईयर का फ़र्क था। तो नाफिया 1 साल 4 महीने के मेरे ख्याल में, अल्लाह मुझे गलत ना करे, कुछ ऐसी थी। और सुमैया 3-4 महीने के गोल गप्पा सा बच्चा थी। तो बस बाबा को दोनों बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जो नाफिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो खान सुबह चौक पे चला जाता था, शाम को आता था। बाबा रिटायर हो गया था, वो घर पे ज़्यादा रहता था, बस बाबा के दोस्त होते थे बाबा के, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेहमान आया करते थे, उनमें मैं बिज़ी होती थी। इसी तरह तकरीबन 3-4 महीने हम रहे, और खान की माँ पाकिस्तान में थी, खान की बहन भी पाकिस्तान में थी, और हम 3-4 महीने के लिए पाकिस्तान में रहे। और हम 3-4 महीने हमने वहाँ गुजारे। बाबा का कभी मूड थोड़ा सा बिगड़ जाता था, जब मुझे पता चल जाता था, जब पाकिस्तान से कॉल वॉल पे बात हो जाती थी तो बाबा का थोड़ा सा मूड बिगड़ा होता था, लेकिन फिर मेरी खिदमतों को, मेरे मोहब्बत को, मेरे
चीजों को देख के बाबा फिर हो जाता था, ठीक हो जाता था। मैं बाबा की बहुत खिदमत करती थी। इसी दौरान सुमैया चार, मेरे ख्याल में सुमैया 6 महीने की थी, क्योंकि सुमैया और सिद्दीक की उम्र में एग्जैक्टली 1.5 साल का फर्क है। सो सुमैया तकरीबन 6-7 महीने की थी, तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे ऊपर तो एक बम सा गिरा जब, लेकिन इस दफ़ा मेरी उल्टियाँ नहीं थी और मैं सही थी, मेरी सेहत सही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर के पास गई कि मुझे चक्कर बहुत आते हैं, मैं एनीमिक थी बहुत ज़्यादा। हमारा डॉक्टर मैक्सवेल हमारी डॉक्टर हुआ करती, तो उसने कहा तुम तो प्रेग्नेंट हो। तो ये तकरीबन मैं 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब मुझे पता चल गया था। तो सुमैया तब हो गई थी 7-8 महीने की, नाफी अभी नीली 2 साल की होने लग गई थी, और चीज़ें काफ़ी बेहतर थी। बाबा कभी कभी मूड भी में हो जाता था, लेकिन मैं बाबा की इतनी खिदमत करती थी कि बाबा फिर ठीक हो जाता था। तो इस दौरान अभी मैं बस प्रेग्नेंट थी, तो फिर एक बम मेरे सर के ऊपर गिरा कि ये क्या होगा, अगर तीसरी लड़की आ गई तो फिर मेरी सास कहेगी कि इसका गला दबा दो, क्या होगा। और मैं इतनी परेशान, इतनी दुआएं मैं मांगती थी कि या अल्लाह बस तुम ही खैर करो, तुम ही खैर करो, तुम ही खैर करो। मैं जब सिद्दीक के लिए मैं प्रेग्नेंट थी, मैं लीली 18 साल की होने लगी थी, और या 18 की थी कुछ ऐसी थी। लेकिन उन दिनों मुझे डिप्रेशन इतना ज़्यादा होने लगा था कि एक नाफिया को संभालो, एक सुमैया को संभालो, फिर उसके ऊपर प्रेगनेंसी को, और उसके ऊपर बाबा के हज़ारों मेहमान, और उसके ऊपर बाबा का बुरा मूड। बाबा कभी अच्छे मूड में होता था, कभी बुरे मूड में होता था। पाकिस्तान से सवाल आ जाता था तो बाबा बुरे मूड में होता था, तो बाबा की लान तान भी सुन रही थी, और टाइम गुजर रहा था, टाइम गुजर रहा। उन डिप्रेशन उन दिनों में मुझे क्या क्या कुछ हुआ इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी मैं। लेकिन खान बेचारा भी डिप्रेस होता था, क्योंकि वो इसी में होता था कि बाबा खुश रहे, कि हमारे घर का माहौल खुश रहे। इतने में सिद्दीक पैदा हो गया। सिद्दीक जब पैदा हो गया तो तीसरा बच्चा पैदा हो गया। सिद्दीक पैदा हो गया, तकरीबन 7-8 महीने हमने बाबा के साथ इसी तरह गुजार लिए, बस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी क्या कभी क्या। बाबा खान के साथ नोकझोंक करता था, खान भी परेशान होता था, सारा पीछे से माँ समझाती थी कि ये करो तो वो करो तो ये करो, बस होता रहा। खान दिन रात काम करता था और मैं दिन रात बच्चों को संभालती थी, तीनों बच्चों को, और इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन बाबा को जब भी पाकिस्तान से फ़ोन आता था, बाबा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता था। बाबा के एक दोस्त थे, बहुत ही ज़्यादा तबलीगी थे और मेरे ऐसे माँ बाप की तरह बने हुए थे। उन्होंने एक दिन फ़ोन कर दिया कि तबलीगी जमात आई हुई है तो तुम लोग आ जाओ। हम हर संडे के संडे बाबा मुझे लेके जाता था तबलीगी जमात में तश्कील और ये सब करने के लिए। तो मैं, उसने कहा कि तुम आ जाओ तो ये, क्योंकि बहुत बड़ी जमात आई है इंडोनेशिया से और पता नहीं क्या। मैंने खान को कहा, मुझे भी थोड़ा हो जाता था कि चलो वो वहाँ पे जो मेरी एक मौलाना साहब थे उनके और उनकी बीवी मेरे माँ बाप बने हुए थे, वो मेरी बहनें बनी हुई थी, तो वो बच्चों को खिला लेती थी, मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता था। तो मैं बहुत खुश होती थी इस संडे के लिए कि संडे में मेरी कैद से आज़ादी होगी। ऐसे होता था जैसे प्रिजन से मैं निकल रही हूँ, क्योंकि बाबा मुझे कोई चीज़ की इजाज़त नहीं होता था। मुझे ये भी इजाज़त नहीं थी कि मैं किसी के लिए डोर खोलूं, मुझे ये भी इजाज़त नहीं थी कि मैं विंडो में खड़ी हो जाऊं, मुझे ये भी इजाज़त नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलूं या मैं शॉपिंग के लिए जाऊं। मैंने पूरा वो 1 साल घर के अंदर ही गुजारा, बस सुबह उठना, बच्चों के साथ लगे रहना, बच्चों के बाद बस कुरान पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, और बाबा की मेहमानों की जिम्मेदारी करना। बस फिर क्या था, ये हुआ कि वो जो आंटी थी उसने बहुत कहा कि आ जाओ। मैंने कहा बाबा घर पे नहीं है तो हमने इजाज़त नहीं ली। कहते कोई बात नहीं, तबलीगी जमात के लिए आ रही हो ना, क्योंकि अब बाबा से हम इजाज़त लेके छींकते भी बाबा की इजाज़त से थे, यहाँ तक कि बाबा की इजाज़त के बगैर हम कोई। खान ने कहा था कि
ये मूड में हो जाते हैं तो इसके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी ना उठाना। खान जो तनख्वाह लेता था वो सारी की सारी ला के बाबा के हाथ पे रख देता था। और मेरा क्या खर्चा होता था, मेरा ये खर्चा होता था कि ऐसे में कि दो बक्स आते थे, एक सुमैया के लिए, एक नाफिया तो फिर दूसरा दूध पीने लगी थी, सुमैया के लिए एक ऐसे में बक्स आता था और एक सिद्दीक के लिए आता था, क्योंकि मुझे अपना दूध पिलाना बिल्कुल, मुझे शर्म भी आती थी, छोटी भी थी, तरीका भी नहीं आता था, मैंने अपना दूध तीनों बच्चों को नहीं पिलाया। तो बस दो ऐसे में के वीक के डब्बे आते थे, यही हमारा खर्चा था और क्या हमारा खर्चा होगा। लेकिन बाबा की हथेली पे खान सारा रख लेता था। और खान ने मुझे टावल नेपीज ला के दिए थे, मैं टावल नेपी यूज़ करती थी उन ज़माने में भी, यानी कि आज से 26-27 साल पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्पोजिबल नेपी होती थी, पर खान ने मुझे टावल नेपी ला के दिए थे। और एक बंगाली मेरी नेक्स्ट डोर थी, उसने मुझे समझाया था कि कैसे इसको यूज़ करो, मैं वो टावल नेपीज यूज़ करती थी। बस यही हमारा खर्चा होता था, बाकी मैं घर पे ही बच्चों के लिए फूड बनाती थी, सारा कुछ अम्मी बताती थी और मैं करती थी। उस आंटी ने बहुत ज़्यादा जब मिन्नत की तो मैंने खान को कहा कि तबलीगी जमात है, उन दिनों मेरा भी दिमाग बहुत ही इस्लामिकली वो था, इस्लामिक हो गया था, तो बस अल्लाह से दिल लगा लिया था मैंने। तो मैं डिप्रेस भी बहुत होती थी, खान को भी था कि चलो ये संडे तो इसको आज़ादी मिल जाती है। खान मुझे ले गया, खान मुझे ले गया, और फिर जब खान मुझे ले जाता तो वो जगह थोड़ी दूर थी, तो खान भी वहाँ पे तबलीगी जमात के, खान को भी तबलीगी जमातों से बहुत शौक था, तो वो जमात में बैठ जाता था, मैं घर में बैठ जाती थी, और हम हर संडे ऐसे करते थे लेकिन बाबा की इजाज़त से करते थे। तो बच्चे तीन थे, सिद्दीक भी तकरीबन 2-3 महीने का हो गया था, सिद्दीक भी थोड़ा सा बीमार विमान रहता था तो रात को उठ जाता था, रो पड़ता था या कुछ ऐसे। तो हम तकरीबन 9 बजे थे, फिर हमने कहा कि अब जाओ। मैं बाबा के लिए सारा खाना वाना सब रेडी करके छोड़ के गई थी, नोट छोड़ के गई थी कि क्या चीज़ कहाँ है, क्या चीज़ कहाँ है, सारा कुछ छोड़ के गई थी। 9 बजे जब हम वापस आए, अब हमें नहीं पता था कि बाबा के दिमाग को तो फिल किया हुआ है किसी ने, जिसने भी फिल किया हो, अब गैब की मैं बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमें पता चल जाता था कि बाबा के दिमाग फुल हो गया। अब जब हम वापस आए, मैं अपने कमरे में गई, बाबा का कमरा नीचे था, एक बहुत बड़ा हॉल था, वो बाबा ने नीचे बनाया हुआ था और हम खुद ही बाबा ने ऊपर कपड़ा दिया हुआ था, ये घर भी बाबा का था। तो हम उस कमरे में होते थे क्योंकि 3 बच्चे थे हमारे साथ, तो बाबा ने खुद ही कहा था कि इस कमरे में तुम लोग रहो, मैं नीचे रहूँगा, क्योंकि कहता है मेरा पूरा प्राइवेसी है, मेरे साथ बाथरूम है, ये है वो है। ऊपर जो था कमरे में बाथरूम, में हमारे कमरे में बाथरूम नहीं था, वो मास्टर बाथरूम में हम जाया करते थे। तो जब मैं अब कमरे में दाखिल होती हूँ, कमरे में तो कुछ चीज़ भी नहीं है, ना बेड है, ना बिस्तरा है, ना वो छोटा सा टीवी पड़ा होता था, वो खान के एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ सामान नहीं, मेरे कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इतनी कमकल लड़की, मैंने कहा हाँ चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, मैं बाबा बाबा ऊपर से चोरी होगी, बाबा तो वहाँ नहीं था। 9 बजे का टाइम था, वो अगस्त का महीना होगा, कुछ ऐसा ही था, सिद्दीक 2-3 महीने का था। तो गर्मियों के दिनों में हमारा वहाँ पे 11-11:30 बजे ईशा का टाइम होता है। तो मैं अब दौड़ी, कभी ऊपर जाऊँ कभी नीचे जाऊँ, खान हमें उतार के चला गया, वो भी नमाज के लिए, ईशा के लिए चला गया, कि बाप को फिर था कि बाप को लेके आऊँ मस्जिद से, मस्जिद साथ ही थी। मैं अब खान को, अब मोबाइल भी उस ज़माने में नहीं कि मैं उसको फ़ोन करूँ कि क्या, मैं डर के मारे वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तीनों बच्चे भी मेरे साथ रोने लगे, कि मैंने कहा क्या चोरी हुई है। अब मैं इतना कमकल इंसान हूँ कि नीचे से चोरी नहीं हुई, ऊपर से कहीं चोरी नहीं हुई, सिर्फ मेरे कमरे में चोरी होनी है। कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय कारपेट के, कमरे में कुछ भी नहीं था। इतने में खान और बाबा आ गया, नहीं इतने में खान आ गया, खान आ गया। खान को मैं कहती हूँ, मैं कहा चोरी हुई है, चोरी हुई है। कहते अच्छा, कहते चोरी कैसे है उसने कमरे में। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। खान परेशान था, मैंने कहा बाबा किधर है। कहते मैं मस्जिद गया हूँ, लेकिन बाबा मस्जिद में नहीं था, शायद वो दोस्तों के साथ दूसरी मस्जिद में गया हो। लेकिन आखिर कौन ऐसे है कि सारा सामान छोड़ के हमारे कमरे में ही चोरी कर गया। और बारिश भी जोरों से बारिश हो रही है, यूके की बारिश भी अजीब होती है, ऐसे होती है जैसे कि शावर खोल गया।
अब इतने में बाबा की कड़क की आवाज आ गई, चाबी की, दरवाजा खुला, हम दोनों दौड़े। हमने कहा ऊपर तो कुछ सामान नहीं। बाबा बाबा कैसे मुझे कहता है, सारा सामान मैंने गार्डन में फेंका हुआ है। खान ने कहा क्यों, सामान क्यों फेंका हुआ है? कहता है तुम लोगों के बच्चे ऊपर ये कमरे में फिरते हैं, तीनों तीनों तो नहीं, खैर सिदीक तो छोटा था, और ये द्रप द्रप करते हैं और ये मुझे डिस्टर्ब करते हैं, और तुम लोग आज घर में नहीं थे तो मैं तुम लोगों के कमरे में गया और मैंने सारा सामान गार्डन में फेंक दिया। खान ने कभी बाबा को जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम थी खान ने बाबा को जवाब दिया। बाबा को कहते हैं क्यों, आखिर क्यों तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो? मैं गुलामों की तरह तुम्हारी खिदमत करता हूँ, मेरी बीवी गुलामों की तरह तुम्हारी खिदमत करती है, क्यों? अगर तुम्हें बच्चों का शोर नहीं पसंद था, हमें घर से निकाल देते, हमें दूसरा कमरा दे देते, हमें गिराज में डाल देते, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीबों का जो सामान था, मेरे बच्चों का सामान, मेरे बच्चों के कपड़े, सब कुछ तुमने फेंके। मैं इन दोनों माँ बाप बेटे की बातों को छोड़ के तो मैं तो गरीब सा बंदा थी, मेरे गरीबी के कपड़े, गरीबी की, क्योंकि मुझे तो पता था ये तो सब खान के दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिए थे, मुझे तो पता था कि मेरी माँ बेचती है सारा कुछ, ये अब क्या होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। अब मैं गार्डन में गई, मैंने सर ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, मैंने ऐसे करके सर पकड़ लिया, मैंने कहा सॉरी, मैं यहाँ पे एक बात भूल गई। हम जब घर पहुंचे तो मगरिब का टाइम था, इशा का टाइम नहीं था, और उन दिनों 10 बजे तकरीबन अंधेरा होता था। मैं अब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, मैंने तुम लोगों को गलत बात बताई, इशा का टाइम नहीं था, मगरिब का टाइम था, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था सही, और इन दोनों 11 साढ़े 11 बजे इशा होती थी। तो खान मगरिब की नमाज के लिए गया था, तो मैं दौड़ी, मैं गार्डन की तरफ दौड़ी। हमारा बड़ा सारा गार्डन था, गार्डन में हर तरफ मेरे कपड़े, टीवी, बच्चों के खिलौने, बच्चों के कॉट, मेरा बेड टूटा फूटा, मेरा बेड को भी तोड़ के, मेरा मैट्रेस, पता नहीं अकेले आदमी ने इतना सामान उठाया कैसे, मैं तो ये हैरान हूँ। सारा कुछ, मेरे कपड़े, मेरा सारा कुछ बाबा ने गार्डन में फेंका हुआ था। आई विश तब मेरे पास मोबाइल होता और मैं उसकी पिक्चर्स ले लेती। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, मैं जोर जोर से रोने लगी और मैं कहने लगी अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी। मुझे इस वक्त ऐसे लगा ना कि मैं जाके ना, अगर गुनाह ना होता तो मैं, मुझे ऐसे लगा कि मैं जाऊं और मैं बाबा को आग लगा दूं, कि मेरे बच्चे पहनेंगे क्या। जोर से बारिश हो रही थी, जोर से, और टीवी, छोटा सा टीवी था, क्योंकि बाबा मुझे टीवी देखने नहीं देता था कि ये गुनाह है, तो मैं छोटा सा टीवी छुपा के कमरे में रखा था। तो मैंने वो, मैं वहां बैठी रही, वो बारिश में मैं भीगती रही, और आप यकीन करें तीनों मेरे बच्चे भी मेरे साथ उसी दे, क्योंकि खान अंदर बाबा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। पहली दफा खान ने बाबा के, बाबा खान जोर जोर से चीख रहा था कि मुझे मारते तुम क्यों नहीं हो, मुझे मार डालो, एक ही दफा मुझे मार डालो, मुझे बार बार क्यों कत्ल करते हो, मुझे बस मार डालो। मुझे खान की चीखने की आवाजें आ रही थी और मैं बैठी थी, और इधर मेरी बंगाली छोटी छोटी हमारी गार्डनों की दीवारें होती थी, तो वो उस दीवार पे मैं जब जोर जोर से रोने लगी, वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो सब आ गए। कहती क्या है, क्या है सभिया, क्या हुआ है सभिया, वो मुझे सभी सभी कहते थे कि सभी क्या हुआ है, सभी क्या हुआ है। मैंने कहा बाबा ने सारा सामान मेरा इधर फेंका हुआ है, हम गए थे तबलीग पे तो वापस आए तो बाबा ने सारा सामान, कहते मैंने देख लिया था, कहते बाबा सारा सामान फेंक रहा था, कोई और बंदा भी उसके साथ था, ये फेंक रहा था, पर हमने, मैंने ये सोच लिया कि शायद पुराना हो और तुम लोग इसको, उन दिनों गार्डन में लोग सामान को ऐसे आग लगा के डिस्पोज करते थे, तो कहते मैंने ये सोचा कि बाबा ये सामान जलाएगा क्योंकि तुम लोग नया सामान शायद लेके आ रहे हो। तो कहते मैं खुद सोच रही थी कि इसमें तो टीवी भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, तो शायद, कहते हमने ये सोच लिया कि शायद बाबा इसको जलाने के लिए फेंक रहा हो। मैं उसके गले लग के, उसने मुझे इतना प्यार किया, उसको मैं लुत्फा की माँ कहती थी। मैंने कहा लुत्फा की माँ, मैंने कहा दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चों को भी मार दे और मुझे भी मार दे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने
बहुत मैं रोई 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 रोई, बारिश से भीगी, बच्चे भी भीगे, बच्चे रो रहे थे तीनों। छोटा सा सिदीक पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि 3 महीने का था कि 4 महीने का था, छोटा सा सिदीक भी मेरी गोद में, हम तीनों रो रहे थे। तब खान बाहर आया, खान मुझे ऐसे गोद में ऐसे उठा के, बच्चों को ऐसे मुझे ऐसे गले से लगा के अंदर ले गया। पर बहुत गुस्सा था खान, पहली दफा मैंने खान को ऐसे गुस्से में देखा था। मुझे ऊपर लेके गया, कहते कोई बात नहीं, मैं इससे डबल सामान तुम्हें लेके दे दूंगा। मैं रोने लगी, मैं इतनी रोई इतनी रोई। मैंने जब खान को देखा ना, तो खान के गुंगरियाले से बाल थे ऐसे ऊपर हुए थे, और ऐसे बदहाल था, काली सी शक्ल उसकी हुई थी। मैंने ऐसे जब खान मुझे अंदर लेके जा रहा था, मैंने ऐसे देखा तो बाबा भी ऐसे सर को पकड़ के ऐसे बैठा हुआ था, बहुत परेशान था। बस मैंने जब बाबा को देखा ना, तो बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान था ना, तो पता नहीं मुझे मुझे क्यों, कहाँ से इतनी ताकत आई। मैंने कहा, मैंने ऐसे पीछे देखा ना, मैंने कहा बाबा मैंने तो तुम्हें बाप जैसा प्यार किया था, ये तुमने क्या किया। तो बाबा ने ऐसे मुझे आगे से ऐसे देखा, तो मुझे देखा तो बाबा की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और सुर्ख हुई थी, मुझे डर सा भी लग गया। तो मुझे आगे से बाबा ने गाली दी, मुझे बाबा ने गाली दी। मैंने कहा आखिर मैंने किया क्या है। गाली दे के मुझे कहा, मैं तुम बगैर इजाजत के मेरे घर से कदम निकालती हो, और फिर सोचती हो कि मैं तुम्हें इस घर में आराम से रखने दूंगा। मैंने कहा, मैंने ऐसे कहा, मैं कहा हाय अल्लाह बाबा, ये इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए कि हम बगैर इजाजत के तुम्हारे घर से गए हैं। तो मुझे खान ने ऐसे मेरे मुंह पे हाथ रखा, कहते आओ आओ। जब मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा बाबा ने तो पहले ये कहा कि तुम्हारे बच्चे द्रब द्रब करते हैं और मुझे डिस्टरबेंस होती है, तो मैंने सामान पे कर, तो मैंने कहा अब तो बाबा ये कह रहा है खान। कहते हाँ, कहते वो अब मुझे कह रहा है कि तुम मियाँ बीवी कैसे मेरी बगैर इजाजत के तुम इस घर से निकले हो। फिर बाद में हमें पता चला कि ये बाबा ने पाकिस्तान में, बाद में फिर जब बाबा मेरे साथ अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में मेरे पास था, मैंने बाबा को पूछा था, मैं कहा बाबा तुमने मेरा सामान क्यों गिराया था। मैं कहा मैं छोटी बच्ची थी, मैं कहा मेरी गरीबी का सामान था, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लेते थे, तुमने मेरा सामान क्यों गिराया था। तब बाबा और मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी बाबा के आखिरी सालों में। बाबा ने मुझे कहा कि मैंने घर में फोन किया था, क्योंकि मेरी बीवी आ रही थी, तो मेरी बीवी ने मुझे यही कहा कि इसको निकालो, इसको किसी तरीके से इस घर से निकालो, इसको भेजो, इसकी तलाक कराओ खान के साथ। तो कहते मैंने कहा कि अब तो वो 3 बच्चों की माँ है, तो कहते बस 3 बच्चों की माँ है तो निकालो इसे, इसे घर से निकालो। तो कहते फिर मैंने कहा कि हाँ आज मैं भी गुस्सा में हूँ, ये देखो मुझे बताए बगैर गए हैं और ये टाइम हो गया और अभी तक आए नहीं। तो कहती मेरी बीवी ने कहा इनको इनको बताओ कि तुम इस घर के मालिक हो। तो कहते फिर ये उसने मुझे कहा था कि इनका सामान फेंको, तब मैंने तुम लोगों का सामान फेंका। मैंने कहा बाबा तुम्हारी माँ हमेशा कहा करती थी कि मेरे बेटे की कान है और मेरे बेटे की आंखें नहीं है। मैंने कहा आज तुमने साबित कर दिया कि वाकई तुम्हारी तुम्हारे कान थे, तुम्हारे आंखें नहीं थी, तुमने मेरी खिदमत भी नहीं देखी, तुमने कुछ भी नहीं देखा, तुमने ये भी नहीं देखा कि 1 साल से ये लड़की बाहया इधर बैठी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, मेरी बात मान रही है, एक दफा तुम्हारी इजाजत के बगैर चले भी गए तो कौन सा जुल्म हो गया। खैर है ना बाबा, तुम माफ कर देते, पनिशमेंट दे देते, मेरे सारा सामान गिराते। एनीवे खान ऊपर आ गया, फिर खान थोड़ा सा मजबूत हो गया, उसके बाद खान मजबूत हो गया। इसमें बहुत ज्यादा बातें मैंने स्किप कर दी, क्योंकि मैं बार बार रोना नहीं चाहती, वो आप लोग बुक में देख लेना। बहुत कुछ बाबा ने किया था इन 6-7 महीनों उनमें, बाबा ने किया, खान की माँ के ड्रामे, खान की बहन के ड्रामे, बहुत कुछ हुआ है इसमें। खान लेकिन खान मेरे साथ खड़ा रहा, खान बस ये कहता था कि इनकी बात मानो, कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, इनकी बात माना करो। बस खान मुझे ये कहता था, लेकिन मुझे मेरी माँ ने भी कह दिया था कि बस इनके साथ कंप्रोमाइज़ करो, अब तुम 3 बच्चों की माँ हो। लेकिन इस दफ़ा खान ने फिर बाबा को कह दिया कि बाबा मैं
मैं अब अपने बीवी बच्चों को अब अलग रखूंगा, क्योंकि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी बीवी बच्चे आते हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को अलग करूंगा, मैं इनके लिए कर लूंगा। लेकिन बाबा को भी थोड़ा एहसास वाला आदमी था, थोड़ा तबलीगी था, थोड़ा सा एहसास हो गया था बाबा को कि ये मैंने गलत किया है। खान ने कहा कि मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहीं किराए पे कर लेता हूँ। बाबा को थोड़ा सा जब एहसास हुआ, उसने कहा कि मैं ऐसे भी ये घर सेल पे लगा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें मॉर्गेज मिलती है तो तुम ये घर खरीद लो। खान उन दिनों बहुत ज़्यादा तबलीगी था। खान ने कहा कि मैं तो मॉर्गेज कभी भी नहीं लूँगा। वो घर बाबा ने लिया था ऑक्शन में, तकरीबन कोई 10,000 पाउंड का लिया था, और उस वक्त उस घर की वैल्यू थी कि 40,000 पाउंड। बेडफोर्ड स्ट्रीट में हमारा घर था। खान ने उसे कहा कि मेरी तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं मॉर्गेज ले लूँ, ये करूँ। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई थोड़ा बहुत भी पैसा हो डिपॉजिट के लिए दे दो। बाबा ने हमारे साथ एक पेनी की हेल्प नहीं की कि तुम्हारे पास डिपॉजिट का पैसा हो तो मॉर्गेज मेरा अकाउंटेंट तुम्हारे लिए कर देगा, क्योंकि बाबा काफ़ी घरों का मालिक था और ये पैड करते, तो या हो सकता है कि कोई गारंटी दी हो या कुछ का हो। कुछ खान ने कर्जा ले लिया, एक दोस्त से कर्जा ले लिया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थे कुछ, 1-2 हज़ार पाउंड मेरे ख्याल में डिपॉजिट था। खान ने वो 2,000 भी नहीं था, बहुत कम डिपॉजिट था शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन खान ने वो डिपॉजिट के पैसे कर दिए और बाबा से हमने वो घर खरीद लिया। बाबा से जब हम, खान ने कहा कि चलो कम से कम ये घर हम खरीद ले, तब तो बाबा हमें नहीं निकालेगा ना। बाबा को वो बैंक मॉर्गेज हमारे नाम हो गया और बाबा ने वो घर ले लिया, घर के पैसे ले लिए। और बाबा ने कहा कि मेरी बीवी और बेटी आ रही है, तो मैं अब साथ ही दूसरी गली में घर था कि मैं वहाँ वो मूव हो जाऊँगा। खान ने कहा मैं तुम्हें कभी भी मूव होने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुम लोगों का इकलौता बेटा हूँ, माँ भी आए, बहन भी मेरी आए, तुम भी आओ, यहाँ पे रहो, लेकिन ये है कि ऊपर पोर्शन मेरे बच्चों का होगा या नीचे पोर्शन मेरे बच्चों का होगा, और एक पोर्शन तुम रख लो, एक पोर्शन हम रख लेंगे, लेकिन ये है कि मेरे साथ वो वाक्य दोबारा ना हो कि मेरा सामान यहाँ पड़ा हो। खैर, इस बात का जिक्र मैंने बाबा की एक दोस्त थे, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, मैंने उनको भी कर दिया था कि क्योंकि हमारे पास ना कपड़े थे ना कुछ था, वो कपड़े सूखते सूखते भी 3 दिन लग गए थे। खान का जो दोस्त था उसने हमारे साथ बहुत हेल्प की, जो मेरे अम्मी अब्बू बने हुए थे उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की, टीवी वीवी ये सारा, हेयर ड्रायर, ये तो बारिश की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे, कोई हमारा एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट था वो तो सब बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे। फर्नीचर भी सारा बाबा ने तोड़ फोड़ दिया था, एक मैट्रेस हमने ले लिया था दूसरे कमरे से वो ज़मीन पर डाल दिया था, और बिस्तरे विस्तरे वो तो सब वो ख़राब हो गए थे, सिर्फ कपड़े वापस मैंने धो लिए थे और कपड़े वपड़े हमारे बच गए थे, दोबारा सुखा लिए थे। बाकी उसमें मेरी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेकअप का सामान, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सब तबाह हो गई थी। फिर वो बाबा से घर खरीद करके, तो फिर दोबारा से बस हमने बाबा से घर खरीदा, बाबा ने घर हमें बेच के, तो 2 महीने खुद ही बाबा ने डिसाइड कर दिया कि मेरी बीवी और बेटी आ रही है तो मैं उस घर में रहूँगा। बाबा का सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर दिया, पर हमने कहा था बाबा को कि हम नहीं अलग होना चाहते। तुम, बाबा ने कहा नहीं, तुम लोगों के 3 बच्चे हैं और मेरी अपनी प्राइवेसी है, और तुम लोगों के बच्चे शोर करते हैं और मुझे नहीं पसंद होता, तुम लोग सुबह आना और शाम तक हमारे घर रहना और शाम को अपने घर पर आना। खान ने कहा ठीक है। इसकी बीवी और बेटी आ गई दूसरे घर में, उसको कैपक स्ट्रीट में वो आ गए, और हम इधर रह गए बेडफोर्ड स्ट्रीट में 3 बच्चों के साथ। मामूल ये होता था कि सुबह, हर सुबह खान जब काम पे जाता था मुझे इनके घर छोड़ देता था। मेरी बदबख्ती और मेरी कमबख्ती फिर भी ख़त्म नहीं हुई। खान इनके घर पे छोड़ देता था नौकरानियों की तरह, मैं पहले सुबह सवेरे उठ के अपना पूरा घर साफ करके तो इनके घर में आ जाती थी, पर मैं इनके घर में खुश होती थी क्योंकि खान की बहनें थी 2 इधर, तो मैं भी साथ में खुश होती थी कि चलो किसी के साथ तो बात होती। मेरे साथ इन खान की बहनों ने कभी भी ऐसे ना कोई बदकलामी की, ना कोई मेरे साथ बुरा करते थे। माँ की बातें मानते थे तो डर के रहती थी, लेकिन मेरे साथ कभी उन्होंने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया था। मैं सुबह आती थी, उनके साथ बैठी रहती थी, उनके साथ खाने बनाना, उनका घर साफ करना,
खान की बहनें भी हेल्प कर किया करती थी, लेकिन वो ज्यादा खान की बहनें ये फैशन डिजाइनिंग ज्यादा करती थी। दोनों बैठी होती थी तो कपड़े मशीनों पे सीना और कुछ ऐसे अपने खावन को बुला रही थी, तो वो बहुत ज्यादा काम करती थी क्योंकि उसको टैक्स जमा करना था और सारा कुछ। तो वो काफी अपने इंडिपेंडेंट शो करना चाहती थी, तो उसने अपना एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था कि मैं घर से ये काम करती हूँ, क्योंकि जॉब के लिए तो बाबा अलाउड नहीं करता था। तो वो अपने खावन के लिए वीजा करती थी, तो उसने अपने लिए एक सेटअप बनाया, तो वो उस कमरे में ज्यादा बिजी होती थी। मेरी सास भी उसकी बहुत हेल्प करती थी। मैं सारा कुछ करके तीन बच्चे शाम को फिर खान आता था जॉब से, तो फिर हमें उठा के ले जाता था अपने घर। इसी तरह का माहौल था और हम इसी तरह रहने लगे। बस करो ना यार, थक गई हूँ। हम इसी तरह बस वहाँ पे रहने लगे, लेकिन ये था कि अब खान की पूरी कमाई मेरे पास होती थी और उसमें मैं बहुत ही कफायत शुआरी से बहुत कम खर्चा करती थी, और बाकी पैसे ले जाके जो मेरे माँ बाप बने हुए थे यूके में, मैं उनके पास हर वीक जब खान को तनख्वाह मिलती थी, मैं थोड़ी सी अमाउंट अपने पास रखती थी खर्चे के लिए और बाकी उनके पास जमा करती थी हर वीक। और वो मुझे दस्तखत करके देता था कि तुम्हारी इतनी अमाउंट मेरे पास होगी, तुम्हारी इतनी अमाउंट होगी। और खान उसी तरह माँ बाप का दुलारा, माँ बाप के हाँ में हाँ मिलाने वाला और माँ बाप के कदमों में बैठने वाला। यहाँ तक कि मैं खान के घर में होती थी तो सैटरडे संडे भी हमारा वहाँ होता था, और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती थी खान की काम की। तो दोपहर को ये जब खाना खाते थे मैं ही बनाती थी, कभी कभी खान की बहनें भी हेल्प कर देती थी। तो जब खाना लगाते थे तो ये पूरी फैमिली, खान भी, बाबा, बाबा की बीवी, खान की बहनें, ये सिटिंग रूम में बैठ के खाना खाते थे और मैं बच्चों के साथ किचन में खाना खाती थी। मैंने एक दिन खान से गिला किया कि तुम लोग सब वहाँ बैठ जाते हो, तुम लोग मुझे कहते भी नहीं हो कि। तो खान कहता था ये हमारे पठानों में होता है कि औरतें अलग खाना खाती है। तो मैंने कहा फिर औरतों में तो तुम्हारी माँ भी आती है, तुम्हारी बहनें भी आती थी। तो खान बहुत परेशान हो कि मुझे कहता था कि सभी बस करो ना, बस करो, मेरा मेरे मेरे दिल का जोर नहीं है और इनके साथ झगड़ों का, तो इसका तो मैं चुप कर जाती थी। तो मैंने एक दिन अपनी सास को कहा, मैंने कहा तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं बिठाते हो खाने के लिए। तब मैं, मेरी डिप्रेशन भी पीक पे था, सिद्दीक के बाद मेरा डिप्रेशन बहुत पीक पे था। पर सिद्दीक के बाद मैंने ये कहा था मैं चौथा बच्चा नहीं लूँगी। मैंने कहा इनको मिल गया ना, इनको नरीना औलाद मिल गई, अब मैं और बच्चे नहीं लूँगी, यही तीन बच्चे हैं मेरे। और मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे चौथा बच्चा अल्लाह ना दे, बस ये तीन बहुत हैं। तो बस ये था कि बाबा और उसकी बीवी और उसकी बेटियां मिलके कभी लंदन तो कभी कहाँ तो कहीं कहाँ सैर सपाटों पे। मैंने तो लंदन क्या, मैंने तो गली का अपनी गली भी नहीं देखी थी। पर ये था कि अपने घर में रहने लगी थी तो ये था पैसे मेरे इख्तियार में थे अब, और अब ये भी था कि मैं अब अपनी मर्जी से उन तबलीग के घरों में जाया करती थी और कहीं भी नहीं। या खान मुझे ले जाता था कभी दो तीन महीने बाद वहाँ कहीं बच्चों के लिए कोई थोड़ी शॉपिंग कर लेती या ग्रोसरी की शॉपिंग कर, मैं उसमें भी बहुत खुश थी। अच्छा यहाँ एक और बात बताओ, मुझ पे सख्त पाबंदी थी कि मैं बुरका पहनूंगी, पर बाबा की ना बीवी बुरका पहनती थी ना बेटियाँ, और वो इसी तरह कोट वोट पहन के जाती थी। मुझे बाबा ने बुरका पहनाया था और मैंने बहुत खान को कहा कि मैं नहीं पहन सकती हूँ, मैं बुरके की आदी भी नहीं हूँ ये, लेकिन खान ने कहा नहीं तुम बुरका पहनोगी। बीच में खान आ गया, बंद कर दिया। मैं बात भी आजकल भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आजकल नहीं जब भी ये मनहूस बातें सोचती हूँ तो भूल जाती हूँ। एनीवे बस फिर क्या था, इसी तरह लाइफ गुजरती गई। इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, वो बाद में बताऊँगी बुक में इंशाल्लाह। और हम, मैं सभी नौकरानी वहाँ जाती थी, सारा दिन वहाँ रहती थी, शाम को यहाँ आ जाती थी। और मैं बस, मैंने ये सोच लिया था कि खान नौकरी नहीं करेगा, हम अपना कारोबार शुरू करेंगे, हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। डिप्रेशन का बुरा हाल था, लेकिन उन दिनों भी, उन दिनों क्या आज भी डिप्रेशन को कोई बीमारी नहीं मानता। बस मेरी डिप्रेशन को कोई कुछ समझता ही नहीं था, कभी रोती थी लेकिन लोगों के सामने बिल्कुल ये नहीं दिखाती थी कि मुझे कुछ है। लोगों के सामने मैं अपने आप को ठीक करती थी और अपने आप घसीट रही थी। अक्सर मुझे लोग सवाल करते हैं कि आप
इतने डिप्रेशन के साथ बच्चों की लुक आफ्टर कैसे करते हैं, उस पर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। चले बस अब इतना बहुत है, अच्छा और मुझसे अभी मत पूछो बाकी पार्ट 6 में। लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था पार्ट 5 लिखना 100 दफ़ा, तो फिर आपको मैं पार्ट 5 पोस्ट करूंगी। लेकिन 100 दफ़ा नहीं आया, इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ अगर आप लोगों ने पार्ट 6 नहीं लिखा 100 दफ़ा तो मैं नहीं पोस्ट करने वाली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।